हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मोटोरोला ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च किया था, मोटो जी 5G। वो 5G फ़ोन था। अब एक नया फ़ोन आने वाला है मोटोरोला का, जो कि है मोटो जी 9 पावर। ये आपको 4G फ़ोन मिलने वाला है। इस फ़ोन के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। क्या कुछ प्राइस होने वाली है, कैसा कैमरा होने वाला है, डिस्प्ले बारे में सब कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन आपको 8 दिसंबर को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली ये लॉन्च होने वाला है फ़ोन। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। तो ये आपको 5.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों। और इस फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है कॉर्नर पर। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो आपको रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं 64 मेगापिक्सल के। एक आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है पीछे साइड में, और फिंगरप्रिंट सेंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस पर आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। आप गेमिंग भी अच्छी खासी इस फ़ोन से कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इस फ़ोन से अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पबजी जैसे गेम में, पबजी या फौजी या फिर फ्री फायर में, तो आप इस फ़ोन से अच्छा खासा गेम खेल सकते हैं। मुझे पता है कि हाँ, पबजी गेम बैन हो चुका है, लेकिन इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको पबजी गेम की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पबजी गेम की वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। जैसे ही पबजी गेम इंडिया में आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया चार्जर है, ठीक ठाक ही है। और इसकी प्राइस रेंज में बात करें तो प्राइस अभी इस पर कोई भी लीक नहीं हुई है। प्राइस के बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप अनुमान लगा सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताना इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। मेरे हिसाब से तो लगभग 10,000 से 11,000 होनी चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं भैया मैं इसके फ़ोन के बारे में, बस इतना ही बता सकता हूँ भैया, बस बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।